मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में मेहमानों की आमद जारी है। साल का आखिरी हफ्ता है और आखिरी हफ्ते में दाता साहब की नगरी से हमारे पीर भाई मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में हाजिरी के लिए और यहां पर लंगर चलाने के लिए और नया साल मनाने के लिए यहां पर ही 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की रात यहाँ पर ही केक काटते हैं और नया साल भी यहाँ पर आगाज़ करते हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवाने कई अशरों से आ रहे हैं, बरसों से आ रहे हैं। 5 दिन स्टे करते हैं, 5ों दिन लंगर चलाते हैं। रोटी पक रही है, अंदर देगे पक रही हैं, खुद भी खाएंगे। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में आने वाले ज़ायरीन मेहमान फ़कीर फकरा और सेवन वासी जो मोहल्ले में है या पड़ोस में है हमसायों को भी खिलाएंगे। इसी तरह मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में मुर्शद के दीवाने आते रहते हैं। अरशद भाई भी आए हुए हैं, भाई अरशद डीलर लाहौर से हमारे प्यारे भाई हैं और उनकी पूरी संगत है। बड़ा कौन है साई? अनवर साई, मियाँ मोहम्मद अनवर भी आए हुए हैं उनकी सरपरस्ती में। सामने गाड़ियाँ हैं, ये ड्यूटीदार हैं मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के काफलों के। उल्टे किले के साथ ही बाबा भोले शाह लाहौर वाले की काफ़ी है, यहाँ पर स्टे करते हैं। 5 दिन लंगर चलता रहता है। अल्लाह ताला इनकी ड्यूटी कबूल फरमाए, मुर्शद के दर पे हाजिरी कबूल हो, अल्लाह ताला बेड़े पार फरमाए, इसके हिलाल में कारोबार में बरकत हो और खुशा नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़। लंगर पक रहा है, बाहर रोटी पक रही थी, यहाँ पर देग पक रहा है, सालन पक रहा है। ये तैयारियाँ हैं लंगर की, सारा सामान वहाँ से लेकर आते हैं। ये पूरी संगत हमारे पीर भाइयों की बैठी हुई है। भाई सलाम अलैकुम, क्या नाम है सर? महमूद खान। मुर्शिद की दरबार में सेवन शरीफ में आने के बाद कैसे महसूस हो रहा है भाई? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भाई, बहुत खुशी महसूस हो रही है। बस दिल तो चाहता है कि बस इधर आएँ और ये लंगर सरकार का इधर बनाते हैं जी। और लोगों को खिलाते हैं, बस यही खुशी होती है। अच्छा वापसी कब है? वापसी 2 तारीख को इंशाल्लाह। 2 तारीख जो मेले से पहले आते हैं। सिंध में इधर धुंध नहीं है, पंजाब में धुंध सर्दी ज़्यादा है, यहाँ पर सर्दी कम है सर। मौसम कैसा है? बहुत अच्छा मौसम है इधर का। कंबल डालने की जरूरत नहीं, नहीं, नहीं भी ले लेते हैं रात को। दिन में तो इसी तरह आपके सामने सब लोग बैठे हुए हैं। रात को थोड़ी बहुत, हाँ रात को ठंड होती है, कंबल ठीक होती है, इतनी कम भी नहीं। बोलो बोलो सखी लाल कलंदर। खुशियां तो सब देखा
गोल्डन गेट के साथ ही उनके पीछे ही मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के गेट वाली सीढ़ी है, वहाँ पर फ़कीर बैठा हुआ है, कबूतर उनके कंधे पर बैठा हुआ है। कई कबूतर अचानक बीमार पड़ जाते हैं या ऊपर से गिर जाते हैं, सर्दी की चपेट में आ जाते हैं, फिर बीमार होकर गिर जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये फ़कीर फकरा इन कबूतरों को सहारा देते हैं और देखभाल भी करते हैं। कई तो उड़ जाते हैं, कई तो फौत भी हो जाते हैं। बड़ा खूबसूरत मंज़र है कबूतर और फ़कीर का, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, आपको दिखा रहे हैं। मुर्शद के तमाम दीवानों के लिए दुआ करते हैं कि मुर्शद के दर पे बार बार आने की सआदत नसीब हो, उर्स मुबारक भी नसीब हो।